तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मार्च के अंदर बहुत सारी मूवी रिलीज होने वाली है, मगर मैं बेस्ट 3 मूवीज बताने वाला हूं जिसे आप थिएटर में देख सकते हैं, और इस मूवी को देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं शैतान मूवी के बारे में, जो वस का रीमेक होने वाला है, और वस एक गुजराती मूवी है, और इस मूवी में आर माधवन, अजय देवन एक जबरदस्त रोल में दिखने वाले हैं। एक नए तरीके से आर माधवन का डायलॉग और म्यूजिक सुनाई देगा जो इस मूवी को 4 चांद लगाने वाला है। वैसे इसका ट्रेलर आप लोग जरूर देखिएगा, और आर माधवन का इसमें जबरदस्त डायलॉग है उसे भी आपको सुनाई देगा जो एक हॉरर टाइप का फील देने वाला है, और इसमें अजय देवन का भी कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है। वैसे ये मूवी 8 मार्च को रिलीज होने वाली है, तो आप लोग देखना जरूर, मिस मत करना। दूसरे नंबर पर होने वाली है योद्धा मूवी, जिसमें आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई देने वाले हैं, और इस मूवी में आपको एक प्लेन हाईजैक की कहानी होने वाली है, जिसमें कुछ आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, और उसी प्लेन को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा निकल पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी कुछ इस मूवी में होने वाली है। वैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्शन इस मूवी में जबरदस्त होने वाला है, और इसका ट्रेलर भी जल्द आने वाला है, तो और क्लियर हो जाएगा कि मूवी किस तरह का होने वाला है। वैसे ये मूवी 15 मार्च को रिलीज होने वाली है, तो आप लोग इस मूवी को देखना जरूर भूलना मत। लास्ट और तीसरे नंबर पर एक जबरदस्त मूवी रिलीज होने वाली है, फाइटर की तरह ऑपरेशन वैलेंटाइन, और इसके ट्रेलर को देखने के बाद आपको ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर की याद आने वाली है, जिसमें आपको ऋतिक रोशन तो नहीं मगर इस मूवी में वरुण तेज ऋतिक रोशन की जगह दिखने वाले हैं, जो ऋतिक रोशन के जैसा ही एक्शन करते हुए दिख जाएंगे। ये मूवी फाइटर मूवी की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें आपको एक अटैक को दिखाया जाता है, पुलवामा अटैक, और फाइटर एक्शन की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि फाइटर की तरह ही इस मूवी में भी एयर एक्शन आपको दिखने वाला है। इस मूवी की स्टोरी 14 फरवरी 2019 के हमले पर होने वाली है, जिसमें आर्मी के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, और ये मूवी थिएटर में धूम मचाने के लिए 1 मार्च को रिलीज होने वाला है। तो आप लोग इस मूवी को देखना मत भूलना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।